मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास में कांग्रेस विधायक दल की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व सीएम मीडिया से रूबरू भी हुए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पेश किया गया विधानसभा बजट अच्छा बजट होना चाहिए। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा बजट पेश होने पर हमारे द्वारा सराहना की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार को दो कदम आगे बढ़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसानों का आंदोलन बहुत लंबा हो गया है, अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार बातचीत से हल निकाले और किसानों की मांगे माने। उन्होंने कहा कि किसानों से भी मेरा निवेदन है कि वह अपनी फसलों को नष्ट ना करें, वह ऐसा नहीं करेंगे, यह देश हित और किसान हित में नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज विधायक दल की अनौपचारिक मीटिंग ली गई है। 4 मार्च को 3 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। उन्होंने बताया कि आज अनौपचारिक मीटिंग में डोमोसाइल, शराब तस्करी, कानून व्यवस्था, कृषि कानून, स्पोर्ट्स व अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल के अभिभाषण व शोक प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। उस दिन देखना आप क्या होगा, 4 तारीख को होगा, 5 को दिखाएंगे, सरप्राइज 5 को बताएंगे। मीटिंग तो आपकी 4 की है सर, मीटिंग तो 4 को 3 बजे। चलो ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।